बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस देश में हिंदुओं की आस्था की कोई कीमत है भी या नहीं। हिंदू मंदिर जा रहा है तो उसे चर्बी वाला प्रसाद खिलाया जा रहा है, शोभा यात्रा निकालता है तो जिहादियों की भीड़ उस पर पत्थर बरसाती है। सरकार आखिर हिंदू मंदिरों का कंट्रोल हिंदुओं को क्यों नहीं देती। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर आई कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डुओं का प्रसाद मिलता है उस प्रसाद में बीफ टैलो, फिश ऑयल और लार्ड मिला हुआ है। बीफ टैलो दरअसल जानवरों की चर्बी होती है जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकने के बाद जो सिर्फ फैट रह जाता है जो घी जैसा दिखाई देता है, इसी तरह टैलो भी सुअर की चर्बी होती है, उसे भी पकाया जाता है और पकने के बाद जो बच जाता है वो भी घी के जैसा लगता है। अब आप सोचकर देखिए कि इस चर्बी मिले घी से बने प्रसाद को देश भर के लाखों हिंदू भक्तों को खिलाया गया है। मतलब जो हिंदू उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते जहां नॉनवेज बनता है, जो हिंदू नवरात्र में लहसुन प्याज तक नहीं खाते, कुछ तो पूरी जिंदगी भर लहसुन प्याज नहीं खाते, ऐसे आस्थावान हिंदुओं को प्रसाद में अगर गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर खिला दी जाए तो इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत क्या हो सकती है। किसी ने अगर ऑनलाइन वेज खाना भी मंगवाया हो उसमें नॉन वेज का एक भी पीस निकल आए तो पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। मगर देश के सबसे अमीर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी निकल आई और किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा किया है अगर उनमें से किसी एक का भी बाल बांका हो जाए तो कहना किसी को कुछ नहीं होने वाला। इसी बात से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस देश में हिंदुओं की आस्था की कोई कीमत है भी या नहीं, क्योंकि हिंदू मंदिर जा रहा है तो उसे चर्बी वाला प्रसाद खिलाया जा रहा है, अगर वो शोभा यात्रा निकालता है तो जिहादियों की भीड़ उस पर पत्थर बरसा देती है, अगर वो वैष्णो देवी जा रहा है तो उसकी बस पर गोलियां बरसाई जा रही है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बुला रहे हैं। हिंदू आज अपने सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर पटाखे नहीं जला पा रहा है क्योंकि पटाखे जलाने से धुआं फैलता है और उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता जो हर साल 35 मिलियन टन पराली जलाकर पूरे इंडिया की सांसें उखाड़ देते हैं। इसके बावजूद कुछ जाहिल को लगता है कि देश में हिंदू कट्टरता बढ़ती जा रही है, बाकी सभीयों की मॉनिटरी खतरे में। सोचिए अगर रमजान के महीने में सरकार ने इफ्तारी का कोई कार्यक्रम रखा होता, उस खाने में पोर्क निकल आए तो उस पर दूसरे समुदाय का क्या रिएक्शन होगा, जिस पार्टी या नेता ने वो प्रोग्राम रखा होगा उसकी क्या हालत होगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। मगर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक यह खुलेआम हो रहा है, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा कुछ लोग शिकायत करने वालों का ही मजाक बना रहे। हालत यह है कि इस मामले पर जब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने 11 दिन के प्रायश्चित पर जाने की घोषणा की तो एक्टर प्रकाश राज को उसमें नौटंकी नजर आई। इस साल जून में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, सीएम बनते ही वो प्रसाद के सैंपल को जांच के लिए गुजरात के एक लैब में भेज देते हैं। जांच हो जाती है, जांच में यह पता लगता है कि प्रसाद में जो घी इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। खबर सामने आई तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है और यह सारा घोटाला कैसे हुआ आपको उसकी वजह पता चलेगी तो आप अपना सिर फोड़ लोगे। दरअसल सालों तक तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक को ऑपरेटिव मिल्क फाउंडेशन की तरफ से सब्सिडी रेट पर तिरुपति मंदिर को घी दिया जाता था, मगर साल भर पहले उसने यह कह दिया कि इतनी सब्सिडी पर उसके लिए घी देना पॉसिबल नहीं। इसके बाद नए सप्लाई ढूंढने के लिए टेंडर निकाले, इसमें कंपनी से 320 रुपए किलो घी खरीदा गया। अब यह बात एक चौथी फैल बच्चे को भी समझ आ सकती है, मगर सरकार में बैठे तीसरी फैल हमारे नेताओं को समझ नहीं आ रही। हैरानी की बात यह है कि जिन तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए, जिससे हर साल 1500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं, क्या वह मंदिर या उसे चलाने वाली सरकार उसे मंदिर के प्रसाद के लिए 550 रुपए किलो घी नहीं खरीद सकता। लोगों का कहना है कि मामला अपने आप में यह प्रूव करता है कि किस तरह सरकारी कंट्रोल में रहने के कारण हिंदू मंदिरों का नुकसान हो रहा है। अगर मंदिरों से जुड़े सारे फैसलों का हक भक्तों के पास होता, अगर वो मंदिरों को चला रहे होते तो 2 पैसे बचाने के लिए ऐसा घिनौना काम कभी नहीं होता। दोस्तों, इस हादसे के बाद एक बार फिर डिबेट शुरू हो गई है कि भैया सरकार आखिर हिंदू मंदिरों का कंट्रोल हिंदुओं को क्यों नहीं देती, जब इस देश में मस्जिद को चलाने का हक मुसलमान के पास है, चर्च को मिले पैसों का क्या इस्तेमाल होगा या ईसाई तय करते हैं, इन मस्जिदों और चर्चों में कौन मौलवी बनेगा, कौन पारदी होगा, जब यह सब कुछ मुसलमान और ईसाई लोग कर सकते हैं।
तो फिर सरकार ने सिर्फ मंदिरों पर ही अपना कब्जा क्यों रखा है? बताओ भैया, आखिर क्या वजह है कि सरकार मंदिरों को मिला सारा दान का पैसा खुद रख लेती है? जब संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के हिसाब से सरकार ऐसा नहीं कर सकती, मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, इसलिए मंदिरों से सर्विस टैक्स भी वसूला जाता है। कई मंदिरों से ऑडिट फीस के नाम पर 5 से 21% तक टैक्स भी लिया जाता है। किसी किसी मंदिर की आमदनी का तो सरकार 65 से 70% तक खुद हत्या लेती है। 1986 से 2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छीन ली गई। अब इन हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा भी हो चुके हैं। अब यह तो आप जानते हैं, भारत में सरकारी जमीन पर एक बार कोई कब्जा हो जाए तो फिर उसे किसी का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। आज देश के सिर्फ 10 राज्यों में 1,00,000 हिंदू मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तमिलनाडु जैसे स्टेट जहाँ की सरकार के बड़े लोग हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया तक बोल चुके हैं, उस तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में हिंदुओं के 36,000 से ज्यादा मंदिर और 56 मठ। इसके अलावा तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन भी सरकार के कंट्रोल में। अब मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल होने से यह होता है कि सरकार ही डिसाइड करती है कि मंदिरों से होने वाली इनकम का उसे क्या करना है। सरकार अपने हिसाब से उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकती है। लोगों का कहना है कि अगर इन मंदिरों से होने वाली आमदनी को हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार या उससे जुड़े विद्यालय बनाने में खर्च किया जाए तो धर्म का असली भला होगा। अब सरकारों मंदिरों पर अपना कंट्रोल क्यों नहीं छोड़ना चाहती, इससे समझना कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, सरकार को जिस जगह से भी पैसा आता है वह ताकत पावर दिखाती है, वहां कब्जा कर लेती है। इसमें बड़े बड़े मंदिरों की आमदनी तो इतनी है कि वह अपने स्टेट की किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा कमाते, इसलिए सरकार उन पर कंट्रोल कैसे छोड़।